नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ विजेता घोष। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे समीप आ रही है, लोगों की समस्याएं भी नजर आती जा रही हैं। बांका की कटोरिया विधानसभा स्थित कावर मारिनी गांव के ग्रामीणों ने सड़क और पुल की मांग को लेकर वोट बहिष्कार का निर्णय ले लिया है। कावर मारिनी समेत धोबनी, निवा मारिनी, तरगच्छा गांव के लोगों ने गांव के मुख्य पथ के समीप बोर्ड लगाकर विधानसभा चुनाव के सभी उम्मीदवारों से वोट नहीं मांगने की अपील की और कहा कि वोट मांगकर हमें शर्मिंदा ना करें। देखिए कितनी बड़ी बात कही वहां के ग्रामीणों ने। यह फ्रेज कई बार आपने दुकानों पर पढ़ा होगा, जब दुकानदार लिखता है कि उधारी मांगकर हमें शर्मिंदा ना करें। उम्मीदवारों की अपील अब गाँव वालों को उधारी लगने लगी है। हालांकि यह सही भी है, चुनाव आने पर प्रत्याशी बड़े बड़े दावे और वादे कर वोट तो मांग लेते हैं, पर इलेक्शन जीतने के बाद वे सारे वादे और दावे को ऐसे भूलते हैं जैसे कोई अपनी बुरी यादों को भूलता है। अब ग्रामीणों का कहना है, जब तक इलाके में सड़क और पुल का निर्माण नहीं होता है तब तक कोई ग्रामीण मतदान कार्य में हिस्सा नहीं लेंगे। हालांकि ग्रामीण आसपास से चंदा इकट्ठा कर रास्ते को आवागमन के लायक बना रहे हैं, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि अभी तक प्रशासन के साथ किसी जनप्रतिनिधि ने भी अब तक ग्रामीणों की सुध नहीं ली। आपको बता दें, इस गांव के ग्रामीणों ने पहले भी लोकसभा चुनाव के दौरान वोट बहिष्कार कर सड़क और पुल निर्माण की मांग की थी, जिसके बाद तत्कालीन डीएम और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने आश्वासन देकर मतदान में हिस्सा लेने को ग्रामीणों को कहा था, लेकिन चुनाव खत्म होते ही उनके आश्वासन हवा में उड़ गए और अब तक कोई पहल किसी ने नहीं की। इसी से नाराज और परेशान ग्रामीणों ने निर्माण कार्य नहीं होने तक सार्वजनिक रूप से वोट बहिष्कार का निर्णय लिया है। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए सिल्क टीवी। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब करें।